Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Top 10 Daily Current Affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, State PSC, Banking and other examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the important news of our country, so friends, let's start. एंड नो कल हम लोगों ने YouTube वगैरह सुबह मॉर्निंग में चलाया होगा तो कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था, यानी सर्च नहीं हो रहा था या और भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। Google की सभी सेवाएं जो भी दी जा रही हैं वो सभी बाधित रही कल, जिसमें Google Duo, Google सर्च, Google Meet और YouTube भी, ये सभी सेवाएं बाधित रही। उसके बाद NCERT के एक सर्वेक्षण में बताया जा रहा है, NCERT ने एक सर्वे करवाया, सर्वेक्षण करवाया, जिसमें बताया गया कि 70% बच्चों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, जिसके कारण से ऑनलाइन एजुकेशन में उनको बहुत समस्याएं देखने को मिल रही है। और कुछ में से 28% बच्चों के पास बिजली नहीं है, जिसमें उनकी पढ़ाई में रुकावट आई। और जितने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो इस तरह के सर्वेक्षण में निकाला गया। उसमें मैथ्स और साइंस की ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसको काफ़ी मुश्किलों से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पूरा लेसन या वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है सर्वेक्षण के माध्यम से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज, UGC ने रात को 12 बजे CSIR, NEET और UGC नेट का एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया है। अब जल्द ही 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन करो और हार्ड लेबर करो और आप सफल जरूर हो गए। देखते हैं आगे क्या है आज का इम्पोर्टेंट, क्लास में क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स। ये 5 इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है ये आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सको और अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दो। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है, नेसेसरी हैं। चाहे वो आप देख लो करंट अफेयर्स में IBPS बैंकिंग में देख लो, रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो देख लो, State PSC, SSC में, सभी में आपका अनिवार्य हो गया है करंट अफेयर्स। तो जो भी करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है, आप एक बार ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन ऑफ द डे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद एक भावुक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा आप में झलकती है भारत। बिल्कुल सही बात है, झलकती भी है क्योंकि उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है देश के लिए, 2011 में वर्ल्ड कप लाया, 2013 में भी, 2010 में भी, इस तरह से वर्ल्ड कप लाना, चैंपियन ट्रॉफी लाना, 2020 वर्ल्ड कप लाना, और उन्होंने लगातार अपना जो शॉट दिखाया, जो अपनी उपलब्धि गिनाई उसको देखते हुए ये बहुत उनके लिए एक छोटी बात होगी। उन्होंने एक बात और कहा कि आपके संन्यास से 130 करोड़ भारतीय निराश हो गए, तो जरूरी, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। देखते हैं आज का क्या है आज का इतिहास। आज 21 अगस्त 1972 को भारत में वन जीव संरक्षण का कानून पारित किया गया, तो भारतीय वन जीव संरक्षण कानून 21 अगस्त 1972 को भारत में पारित किया गया। आज 1915 को प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 2014 से 2019 के बीच, उसमें 2015 में इटली ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, यानी युद्ध की घोषणा छेड़ दी, युद्ध छेड़ दी थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या है जानते हैं, बहुत ही काफ़ी है, देर इज लॉट ऑफ नॉलेज फॉर यू, सो प्लीज लिसन केयरफुली। आज का देखते हैं क्या है मोटिवेशन लाइन और आप देखेंगे इसके बाद करंट अफेयर्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेवर रिग्रेट ए डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव हैप्पीनेस, बेड डेज गिव एक्सपीरियंस, वर्स्ट डेज गिव लेसन्स एंड बेस्ट डेज गिव मेमोरीज। क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन है जो हम सभी को एक अंदर से प्रेरित करती है। आप ना बोलो कि ऊपर से जो माइंड में घुसा तुरंत निकल गया, ऐसी बात नहीं, अंदर से ही प्रेरित करिए।
क्या लाइन कहा गया कि गुड डेज जो है आपको हैप्पीनेस देती हैं, बैड डेज आपको एक्सपीरियंस देती हैं, वर्स्ट डे आपको लेसन्स देती हैं और बेस्ट डे आपको मेमोरीज देती हैं। कोरोना संकट काल में बैंकों ने किसानों को 1.02 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। यह 17 अगस्त तक का ये आंकड़ा दिखाया गया है, जिसमें से किसानों को 1,22,000 करोड़ दिया गया है। उसमें से किसान क्रेडिट के तहत 1.2 लाख करोड़ किसानों को कर्ज दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका के नई संसद का अध्यक्ष महिंदा यपावर्धना को चुना गया है। 19 संसद सत्र का उद्घाटन भी किया गया है। ये 1987 के बाद जो भी समझौते हुए थे भारत श्रीलंका के बीच, उसमें ये महिंदा यपावर्धना को बर्खास्त कर दिया गया था, उसका नई संसद में उनका अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में 5 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक ने 1,000 लोगों को नौकरी देने के लिए गिग अपॉर्चुनिटी शुरू की है, जो आप घर से भी आप अपना इस के लिए आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक की। सरकार ने एयरपोर्ट पर बढ़ते सुरक्षा खर्च को देखते हुए यात्रियों से ली जाने वाली सुरक्षा चार्ज में 10 रुपया बढ़ाकर 160 रुपया कर दिया है। पहले ये 2019 में 150 रुपया था, उस समय 50 रुपया बढ़ाया गया था, बट अब 2020 में 10 रुपया बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने IIMB स्टार्टअप के साथ गठजोड़ किया है, जिसके माध्यम से उद्यमिता शिक्षण केंद्र के साथ जो साझेदारी की गई है, उसमें इनोवेशन उनको एक अलग दिशा मिलेगी और वो कंपनी जो है काफ़ी स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद उसको मिलेगी, सुजुकी इंडिया को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 नगर निकायों, ऊपर दिख रहे में 100 नगर निकायों वाले राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है। मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने झारखंड को स्पेशली दिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से और काफ़ी पिछड़ा राज्य है, लेकिन धीरे धीरे अपना ये परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को मनाई गई, जिसे मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनकी जो राजीव गांधी के जो पुत्र हैं राहुल गांधी, उनकी बेटी जो है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी जाके उनकी समाधि पर जाके उनको को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उनकी माँ भी थी, सोनिया गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, 9th नंबर का करंट अफेयर्स, इंटरनेट स्पीड के लिए जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। देख सकते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क हर चीज़ में आप क्वालिटी हैप्पी इंडेक्स में देखो, आप हैप्पी क्वालिटी इंडेक्स में देखो या और भी देखोगे तो डेनमार्क जो है सबसे आगे रहता ही है। लगभग मोस्ट 10 रैंक में डेनमार्क का नाम आना निश्चित ही है। तो इस बार भी डेनमार्क जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कर्नाटक सरकार ने मैसूर बीदर शहरों के बीच औद्योगिक गलियारा स्थापित करेगी। ये कर्नाटक सरकार की ये कि इनिशिएटिव के रूप में देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करना हर राज्य में दो चार होनी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। सभी राज्यों को इस तरह के इनिशिएटिव में काम करना चाहिए और आगे अपने राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। देखते हैं आज का क्या स्टेट न्यूज, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन गोवा, बांदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मॉडर्न नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, कोटी गोवा वाइल्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ये 5 सेंचुरी और नेशनल पार्क मिलाकर गोवा में है, क्योंकि गोवा की आबादी बहुत कम है, छोटा राज्य है वो, वहाँ पर लगभग 4 लाख आबादी वहाँ की लगभग है। सो गोवा बहुत छोटी है, 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है वो गोवा। तो ये देख सकते हैं कि ये 5 जो है वहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में पाए जाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है।
फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन से महत्वपूर्ण फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं? दुर्गा पूजा, प्रथमाष्टमी, रथ यात्रा, राजा पर्व, बलि जत्रा, कार्तिका पूर्णिमा, नौखाय, शीतलाष्ठी, धानु यात्रा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रथ यात्रा वहाँ की है, जो सभी लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है उड़ीसा की, पुरी की रथ यात्रा। कहीं मौका मिला तो मैं भी जाना चाहूँगा, अभी तक से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन भविष्य में मेरी भी प्लानिंग है कि मैं रथ यात्रा, मेरे पास जो जो करूँ, एक गर्व की बात है भारतीय होने के कारण। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ दिखा रहा है यार आपको। इसराइल में सोनिया हीरे से बन रही दुनिया का सबसे महंगा मास्क 11 करोड़ कीमत है। 18 कैरेट से सोना से बना मास्क, N99 फिल्टर भी लगा है। 3600 काले और सफ़ेद हीरे जड़े हुए हैं इसमें। 25 कलाकारों की टीम कर रही है तैयार, अक्टूबर में डिलीवरी। सो देख सकते हैं हम लोग नॉर्मल मास्क 30 रुपया से लेकर के 100 रुपया 150 रुपये तक खरीदते हैं, बट ये 11 करोड़ का मास्क जो बनाया गया है इसराइल के द्वारा। तो ये सभी जो है नए नए मास्क बनाए जा रहे हैं और हर तरह की कलाकारी दिखाई जा रही है, चाहे सोना का हो, चांदी का हो, हीरा का हो। लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं और अच्छा खासा इनकी मांग हो रही है। सो दोस्तों आज का इस करंट अफेयर्स क्लास में की समाप्ति होती है। आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन बटन दबाना।